नाम जाप का क्या लाभ है इसके उपाय में, श्री सुखदेव जी अजामिल की कथा सुना रहे। अजामिल कान्य कुब्जे द्वज कश्चित दासी पतिर अजामिल। एक ऐसा ब्राह्मण जो पहले तो खूब सदाचारी था, उसके जीवन में खूब सदाचार था, विद्वान भी था, किंतु एक दासी के संग में ऐसा आया कि उसका पूरा जीवन ही दूषित हो गया। एक दिन पहले भी चर्चा की थी, भूमि दोष, अन्न दोष और संग दोष। संग गलत मिल जाए तो अच्छे अच्छों की मति बिगाड़ देता है, अच्छों अच्छों की बुद्धि बिगाड़ देता है। खूब विद्वान थे किंतु उस दासी के साथ ऐसे संलग्न हो गए कि अब तो झूठ बोलने में डर नहीं लगता, चोरी करने में डर नहीं लगता, लोगों को लूटने में डर नहीं लगता, पशुओं को मारने लगे, हत्या करने लगे, सारे बुरे कर्म अजामिल करने लगा। किंतु तभी गांव में कुछ संत पधारे। अब संत आए तो चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे, उन सबसे पूछा कि भैया इस गांव में सबसे बड़ा धर्मात्मा भगत जी कौन है, क्योंकि हम भक्तों के गरीब भोजन करते हैं और कहीं नहीं जाते। अब कुछ लोग होते हैं ना गांव में, वो काम धंधा कुछ नहीं करते, वो चाय के नुक्कड़ों पे बैठ के बस पंचायती करते, उनका काम ही ये होता है यहाँ की वहां करना है। बोले हाँ जी हाँ बिल्कुल, हमारे गांव में एक परम भक्त रहता है, भगत जी रहता है, अजामिल भगत जी, खूब बड़ा भगत है, आप जाओ देखो, खूब खातिरदारी करेगा आपकी। अब इनको पता था अजामिल संत के नाम से ही चिढ़ता है, और अगर इसके घर पहुंच गए तो फिर पता नहीं क्या ही कर दे इनके साथ, जो इनका सामान है लोटा सोटा ये और लूट लेगा इनसे, और यही चाहते थे कि संत क्रोध में आके श्राप दे दे। अब संत तो संत होते हैं, एकदम कोमल हृदय संत पहुंच गए अजामिल के घर, लगा कोई भगत का घर है। भीतर घुसे, अजामिल नहीं था, शिकार के लिए गया था, पीछे से अजामिल की पत्नी, पता नहीं आज कहां से प्रभु ने उसकी मति में थोड़ा परिवर्तन ला दिया कि आज उसने संतों का स्वागत किया। तो संत बैठे, भोजन इत्यादि पाया, संतों ने पूछा पत्नी को कि यही अजामिल भगत जी का घर है? अब पत्नी देखे ऊपर से नीचे, बोले हाँ अजामिल का घर तो है, पर वो भगत जी कब से हो गए ये हमें नहीं पता, पर महाराज जब आप आ ही गए हो तो थोड़ा प्रसाद लेकर के जाओ। प्रसाद पा लिया, इतने में ही एंट्री हुई अजामिल की। अजामिल जी पधारे और जैसे संतों को देखा तो एकदम क्रोध में, कौन लाया है इनको, क्यों आए हैं ये अंदर? तो पत्नी कोने में लेके गई, अजी हम हाथ जोड़ते हैं, आज आप बस कुछ मत कहो संतों से, ठीक है आगे से कोई नहीं आएगा, नहीं बुलाऊंगी, पर अब बस आप ज्यादा कुछ मत बोलना, बस एक बार प्रणाम कर लो। प्रणाम? इनको प्रणाम करूं? ना ना ना, अच्छा ठीक है प्रणाम मत करो, इतना बस हाथ जोड़ के कह देना कि आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, झुकना मत। अब आ गया संतों के सामने, मूर्ख तो मूर्ख होता है, अब वो प्रणाम करे ऐसा तो बड़ा कठिन कार्य है, उल्टा कह रहा है साधुओं से कि तुम हमको प्रणाम करो। अरे भाई तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि प्रणाम करें, पर अज्ञान है क्या कहें। संत ने कहा भैया हमने तेरे घर का भोजन पाया है, और कहते हैं कि संत को भोजन के बाद कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, तो क्या दक्षिणा देगा हमें? अजामिल हंसने लगा, दक्षिणा तुमको? अरे महाराज तुम्हारा अब तक शरीर सुरक्षित है, सामान सुरक्षित है, समझ लो यही दक्षिणा है आपकी, इससे ज्यादा क्या दक्षिणा दूं आपको। संत हृदय नवनीत समाना, संत ने संकल्प कर लिया उसी क्षण,
इसका जीवन बदलना है, इस पापी का उद्धार करना है। बेटा एक बात बस मान जाना, क्या तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके गर्भ में एक पुत्र है, बस हमारी यही दक्षिणा है कि तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख दे। ये काम तू करेगा तो हम समझेंगे हमें दक्षिणा प्राप्त होगी। बोल करेगा? हाँ हाँ देख लेंगे, अभी बहुत समय, अभी तो समय लगेगा, जब याद अगर आ गया तो देख लेंगे। कह के संत विदा हो गए। किसी ने सच कहा है कि एक क्षण का संत का संग जीवन बदल देता है, ऐसा रंग लगा देता है। और वही अजामिल के साथ हुआ, जब पुत्र हुआ तो संत की बात याद आ गई और बेटे का नाम रख दिया नारायण। धीरे 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 अब तो उसकी जिह्वा पर नारायण शब्द बैठ गया, भले पुत्र के लिए बैठा, पर प्रभु क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसका किसको पुकार रहे हो, बस तुम मेरा नाम जिस भी रूप में लेते हो। अरे संसार में भी तो यही होता है, संसार में कुछ अलग थोड़ी होता है। यहाँ पर एक हमारे भैया बैठे राजेंद्र, एक और कोई इसमें बैठा हो राजेंद्र, और अगर मैं उस नाम का उच्चारण करूं तो दोनों मुड़ के पीछे देखेंगे कि एक देखेगा? दोनों देखेंगे, दोनों ही देखेंगे कि पता नहीं हमें पुकारा, हमारा नाम लिया है। अब उसमें ये टैग नहीं होता कि कौन से वाले को, बस नाम लिया तो पीछे मुड़ेगा ही मुड़ेगा, देखेगा ही देखेगा। वैसे आप कृष्ण कहो, आप गोविंद कहो, भले अपने बेटा को पुकारो, पर एक बार ठाकुर जी जरूर पीछे मुड़ते कि देखो कौन है, क्यों बुला रहा है मुझे। इसलिए ये भी एक शिक्षा है, अपना बेटा बेटी कोई होता है, जन्म होता है, तो उनका ऐसा नाम रखो कि आप उनको भी पुकारें तो अनजाने में भी आपके मुख से ठाकुर जी का नाम निकले। ऐसा करना चाहिए, पर हम करते नहीं हैं। ये तो हमारे हाथ में करना आसान है, पर वो भी नहीं करते, ऐसे बेकार बेकार नाम रखते कि पूछो नहीं। चिंकी पिंकी मिंकी कुछ भी मिल जाए सो इधर दो, बस भगवान का नाम नहीं, तो ओल्ड फैशन हो गया। अब तो ठाकुर जी के सहस्त्रों नाम हैं, हमारी श्री जी के अनंत नाम हैं। अगर राधा रानी के नामावली पढ़ोगे ना तो आप कभी सुने भी नहीं होंगे ऐसे ऐसे श्री जी के नाम। कन्या होती है तो राधा रानी के नाम पर रखो, लाला होता है तो ठाकुर जी के अनंत नाम हैं उनके नाम पर रखो, कम से कम जिव्या से नाम तो निकलेगा। भाए कुभाए अनख आलशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि अरे तुम भाव आ रहा है तो भी नाम लो, नहीं भाव आ रहा तो भी नाम लो, नाम आपको आपका उद्धार करेगा ही करेगा, ये नाम का फल है। पर कितनी अचंभे वाली बात है ना आदमी की, पैसों से चीज खरीद सकता है लेकिन जो चीज मुफ्त में मिल रही निशुल्क उस नाम को नहीं पकड़ रहा। नाम लेने में कोई पैसा लगता है? हाँ तीर्थ जाने में पैसा लगेगा, यहाँ से वृंदावन जाओगे तो किराया लगेगा, दान करने में पैसा लगता है, पूजा करने में भी पैसा लगता है, आपको कुछ फूल लाने हैं तो पैसा चाहिए, फल लाने तो पैसा चाहिए, पर नाम लेने में कोई पैसा नहीं लगता। तो अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है। धीरे 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 एक दिन उसका अंत समय आया और अंत समय में भी उसके मुख से नारायण नाम का उच्चारण हुआ। और जैसे नारायण नाम का उच्चारण हुआ तो भगवान नारायण के दूत वहां प्रकट हो गए।
अब तो यमदूतों में और विष्णु दूतों में झगड़ा चालू हो गया। यमदूत कहते हैं इसको नरक लेके जाएंगे क्योंकि पाप ही पाप किए हैं इसने। विष्णु दूत कहते हैं कि ये नरक का अधिकारी है ही नहीं। क्यों नहीं है? बोले शास्त्र कह रहे हैं जिसने मरते समय एक बार जिव्या से राम बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। मृत्यु के समय जिसके मुख से भगवान नाम निकल गया वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है। आसान नहीं है मृत्यु के समय भगवान का नाम निकलना। आप सोचो कि जी जीवन में भजन करो मत करो, बस अंत समय जब आएगा तब एक बार राम कह देंगे काम पूरा। ऐसे थोड़ी राम नाम आ जाता है। जब प्राण खींचते हैं ना शरीर से, जब शरीर तपता है, प्राण संकट में आते हैं, तब पाप याद आते हैं अपने सारे। हमने क्या क्या गलत काम किए वो सारी वीडियो सामने चलती है। ऐसा भी किया, अरे हमने तो ये भी किया, अब हम कहाँ जाएंगे। अब जीवन में जो किया वही दिखेगा। अगर अच्छे काम किए होंगे तो सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा, और अगर पाप कर्म किए होंगे तो अंत समय में भी वही नजर आएगा। इसलिए जिव्या से मैं बार बार कहती हूँ, जिव्या को आदत डालो राम राम कहने की, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कहने की, ताकि अंत में भी जिव्या से निकले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों ही छोड़कर के अजामिल को चले गए। अजामिल को अपनी भूल का अपश्चाताप हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। ब्राह्मण योनि मिली, भगवान नाम मिला, और मैंने इस जीवन को दूषित कर दिया। ना ना अब नहीं, अब तो बस कुछ हो जाए, अब तो एकमात्र हरि की शरण। और फिर अजामिल ने भगवान नाम बड़े भाव से लिया और अंत में अजामिल को भगवत प्राप्ति हुई। तो ये है भगवान के नाम की महिमा जो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने गाई है। इसलिए नाम सब साधनों का मूल है, इसीलिए ये कथा श्रवण कराई गई है।